वल्लभाचार्य जी ने शरीर द्वारा लिए जाने वाले आहार पर कई मुख्य बातें बताई, जिनका जिक्र बापूजी अक्सर सत्संगों में किया करते हैं। वल्लभाचार्य ने कहा कि अन्न में केवल कमाई का ही हक का हो, लेकिन वस्तु अगर नाहक की है तभी भी मन को बुरा करती है। तो पसीने का, माता पिता के घर का अन्न, सासू ससुर के घर का अन्न, मामा मामी नाना नानी के घर का अन्न, अथवा गुरुद्वार पे रहते हैं संत के द्वार पर सेवा करते हैं तो उनके द्वार का अन्न हमारे हक का माना जाता है। शादी विवाह में जाते हैं तो बदले में उनको भी हम बुलाते तो हक का मानकर चल जाता है काम, लेकिन उसमें अन्न में शुद्धि भी होनी चाहिए। है तो हमारे हक का, लेकिन रसोइयों ने अन्न बनाया और रसोई पसीने के बूंदे भी बाह रहे हैं, बीड़ी भी फूंक रहे और कर रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, इस प्रकार का अन्न भी हमारे मन को अशुद्ध करता है। रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य ने सूक्ष्म व्याख्या की कि अन्न एक तो हक का हो, दूसरा जातीय शुद्धि हो। है तो अपने हक का, लेकिन शराब कबाब आदि है तो मन को विक्षिप्त करेगा। चलो अपने हक का है, शुद्ध अन्न है, लेकिन बनाने वाला अशुद्धि का आश्रय लेकर बनाता है तो वो भी हमारे मन को विक्षिप्त करता है। बनाने वाला ठीक है, लेकिन बर्तन कुत्ते कौवे के जूठे हैं या बाल के कण पड़े हैं ऐसा, या एमसी के दिनों में बनाया हुआ अन्न है तो वो भी मन की शुद्धि में विक्षेप करेगा। वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य ने अन्न के दोष निवारण की व्याख्या की और पांच तरीकों से, एक तो हक का होना चाहिए, दूसरा द्रव्य की शुद्धि, तीसरी स्थान की शुद्धि, चौथी निमित्त की शुद्धि और पांचवी उपादान बनाने वाले की शुद्धि। शंकराचार्य ने इससे भी ज्यादा सूक्ष्म वर्णन किया, आद्य शंकराचार्य ने, अरहंती आहार है, जो आप भीतर बाहर से भीतर ले जाते हैं वो आहार है। तो केवल मुंह से ही खाते वो अन्न नहीं, आंखों से आप देखते हैं, विवेक की चलनी नहीं रखी तो आंखों से तो दो व्यक्ति गए, पति पत्नी थे कि भाई बहन थे, लेकिन तुम्हारे विकारों की दृष्टि से देखा तो आंख के द्वारा तुमने अशुद्ध आहार किया। मित्र के घर गए और उसका मकान और फर्नीचर देखा तो अपना मकान के 3 कमरे और मित्र के मकान के 4 कमरे, उसका फर्नीचर देखा और मन में खटपट शुरू हो गई, इसके पास ऐसा है, हमारे पास तो नहीं है। अब ऐसा है तो भी छोड़ के जाएगा और नहीं है तो भी छोड़ के जाएगा, इस प्रकार की विवेक की चलनी से देखे तो ठीक है, नहीं तो फिर आंखों के द्वारा अशुद्ध आहार आपके मन को विक्षिप्त कर देगा। ऐसे कानों के द्वारा आप किसी की निंदा सुन रहे हैं, जिसकी निंदा सुन रहे वो तो आइसक्रीम खा रहा है या लेटा है आराम कर रहा है, आप कान के द्वारा निंदा रूपी आहार अंदर ले जाकर अपने मन को विक्षिप्त करते हैं। जो मन भगवत चिंतन करके भगवत भाव, भगवत ज्ञान, भगवत आनंद, भगवत माधुर्य पाकर मुक्त हो सकता था, उसको आपने शत्रु के घर पहुँचा दिया। शत्रु नहीं है तो निंदा सुनकर आपने किसी के विषय में शंकाएं कुशंकाएं करके अपने मन को और वेग दे दिया। नाक से भी आहार ऐसा न करो, गीताकार ने कितना सूक्ष्म सोचा होगा, पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, ऐसा नहीं कहा सुगंध या दुर्गंध, पृथ्वी में जो पुण्य गंध है वह मैं हूं। जैसे चंदन है, गुलाब के फूल हैं, मोगरे मोती के फूल हैं, भगवान को अर्पण करके वो गंध आपने ली, वो पुण्य गंध आपके भाव को शुद्ध करेगी। आप सुगंध लीजिए, लेकिन जिस सुगंध से मन में विकार या अहंकार पैदा हो वह सुगंध अशुद्ध आहार है। आप नाक से भगवत भाव जगे ऐसा शुद्ध आहार। ऐसे ही त्वचा से भी आप भगवत दर्शन कीजिए, शुभ भावों से आपके चित्त की रक्षा कीजिए।
एक उपाय यह है। दूसरा उपाय है कि चित्त और मन इंद्रियां सब प्रकृति के हैं, इनमें परिवर्तन होता है, इसके परिवर्तन को जो देखता है वो सच्चिदानंद स्वरूप एक ओंकार स्वरूप वो परमात्मा ही मेरा आत्मा बन बैठा है, उसकी बार बार स्मृति करने से आपका चित्त उसमय हो जाएगा और मुक्ति के द्वार खुले मिलेंगे।